कहिए कैसे हैं आप, महिलाएं और उनका स्वास्थ्य। मेरे पास समय समय में ना बहुत सारे आपके मैसेजेस आते रहते हैं। आमतौर पे जो मैसेजेस होते हैं ना वो बच्चों से रिलेटेड होते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं लिखता नहीं, जैसे मैंने काफी बार आपसे शेयर भी किया है कि इस तरह के मैसेजेस आते हैं। पर दो तीन दिन पहले एक मैसेज आया और मैं बहुत बहुत सोचने लगी कि अच्छा, मैसेज ये था कि एक लेडी ने लिखा था, मेरा मन अपने बच्चे को पढ़ाने का करता ही नहीं है। मतलब हमने आमतौर पे ये सुना है कि हम ये कहते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ रहा, बच्चा नहीं लिख रहा, पर अगर लेडी का ही मन नहीं करेगा बच्चों को पढ़ाने का तो कैसे बात बनेगी। अच्छा, इसके अलावा एक दो मैसेजेस फिर और भी आए, उसमें एक लेडी ने ये लिखा हुआ था कि ना मेरा मन ऐसे करता सारा दिन लेटे रहो, आराम करते रहो, कुछ काम करने को मन नहीं करता। तो ये जो प्रॉब्लम है ना लेडीज की, पहले तो हमें इसका हल निकालना होगा। देखिए, एक लेडी होती है, स्पेशली जो हाउस वाइफ है, जिसने सारा घर संभालना है, जिसके बलबूते पे, जिसके भरोसे पे सारा घर चल रहा है, अगर उसी में ही हिम्मत नहीं होगी, उसकी हिम्मत ही जवाब दे जाएगी, वो काम ही नहीं कर सकेगी, सारा दिन आलस, सुस्ती, थकान रहेगी, तो कैसे बात बनेगी? कैसे वो अपने बच्चे का ख्याल रखेगी? कैसे उसको अच्छे से स्कूल भेजेगी? कैसे उसको होमवर्क कराएगी? कैसे उसको अच्छा खाना बना के देगी? कैसे कैसे कैसे? तो आज घूम फिर के ना, मैं बच्चों से हटके ना आज मैं लेडीज पे आ गई, क्योंकि सबसे पहले तो लेडीज को पकड़ो भाई। लेडीज अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। जैसे मैंने पहले भी कहा है, मतलब फैमिली का ध्यान रखने में नंबर वन, अपने हस्बैंड का, अपने इन लॉज का, सबका ख्याल रखती है, पर जब अपनी बात आती है तो बिल्कुल जीरो नंबर। अपना तो ख्याल ही रखती, सोचती हो जाएगा, कर लेंगे, पर नहीं, आज हमें यही करना है। आज हमें यही सोचना है कि कैसे हम दिन भर एक्टिव रहें, क्या करें कि दिन भर हम में एक स्फूर्ति बनी रहे, एक ताजगी, मतलब एक जील बना रहे, एक उत्साह बना रहे कि हम बस बढ़िया हैं, हम एकदम ठीक है। तो मैंने ना बड़ी रिसर्च की इस बारे में, और जो अपना एक्सपीरियंस है और अदरवाइज भी इधर उधर से इकट्ठा करके ना, तो मैं आज आपको ये बताती हूँ कि महिलाएं किस तरह से सारा दिन एक्टिव बनी रह सकती है। कि ये छोड़े कि भाई मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, ये करने को मन नहीं कर रहा, सारा दिन लेटे रहने को मन कर रहा है, तो ऐसा क्या क्या करें कि एक उत्साह बना रहे। तो तैयार हैं आप? क्या बोलते हैं उसको, बालों का जूड़ा बना के और साड़ी के पल्लू को खोल के साइड पे, चलो भाई हाँ भाई तैयार है, स्लीव्स ओपन करके, हाँ भाई चलो तैयार है, बताओ जी क्या क्या टिप्स है। देखिए, सबसे पहले तो अपना जो रिश्ता है ना, हम रिश्ते बनाने में तो अव्वल होते हैं, फर्स्ट नंबर पे होते हैं, अपना रिश्ता खाने के साथ बहुत अच्छा बनाना। रिश्ते बनाने में हम अव्वल होते हैं, रिश्ते निभाने में, बनाने में, तो खाने के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाना है। उसका रीजन क्यों वो मैं बताती हूँ। असल में क्या होता है, देखिए, जैसे हम 5:30 उठ जाते हैं, आमतौर पे लेडीज जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो घर का काम सारा संभालती हैं, तो सुबह 5:30 उठ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, हस्बैंड को भेजना, और भी जो घर के काम है वो करना, और फिर उसके बाद जब वो सब चले जाते हैं, फिर बाइक की, फिर छोटे मोटे जो और काम होते हैं वो करना, फिर इस चक्कर में ना धीरे धीरे डिले होता जाता है। क्या? ब्रेकफास्ट कि कर लेंगे, चलो एक बार बाई आएगी, काम निपटा के आराम से बैठ के टीवी चला के कर लेंगे ब्रेकफास्ट, ये करते हैं हम, और इस चक्कर में 12 बज जाते हैं, कई बार 12 बज जाते हैं, ये तो कोई टाइम ही नहीं है। 12 बजे सारा दिन सुबह 5:30 से उठे हुए 12 बजे तक आपके पेट में कुछ गया नहीं, और काम कितना कर लिया आपने, कितना सारा काम कर लिया। एक तो ये लेडीज होती है, दूसरा ये होती है कि वो काम करती रहती हैं और सोचती हैं चलो फिर से अपने लिए स्पेशल क्या बनाना है, चलो फिर से निकालो कुछ भी, जो भी एक दो दिन का पड़ा है फिर से निकाला, बासी चाय बनाई गरम खा ली, एक ये। अच्छा, एक ये लेडीज होती है जो सोचती है चलो अच्छा है, नहीं खा रहे तो थोड़ा वेट ही कम हो जाएगा। ये तीनों सिचुएशंस गलत है, ये ना खाने से वेट कम नहीं होगा, ऐसी थ्योरी भी गलत है, ये विचारधारा भी निकाल दीजिए। हमें रहना है हेल्दी, और उसके लिए हमारे अंदर जानी चाहिए हेल्दी डाइट। हमारे अंदर अगर हमें अपने परिवार, देखिए हम चाहते हैं ना अपने परिवार का ख्याल रखना, हमें अपने परिवार का ख्याल रखना है तो हमें हेल्दी खाना खाना ही पड़ेगा। और कितनी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, पर वो करनी पड़ेगी। आमतौर पर क्या करती है महिलाएं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मटर पनीर की सब्जी है, तो मटर खा लेंगी, उसकी करी खा लेंगी, पनीर बच्चों के लिए, बच्चों को बड़ा पसंद है, बच्चों को तो पसंद है, पर आपकी सेहत भी तो चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इसके लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर नाश्ता हो, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना वो बहुत आपका बिजी होता है,
काम वाला होता है, बहुत एनर्जी लगती है, इसके लिए बहुत जरूरी है ब्रेकफास्ट लेना, बहुत जरूरी है। और कितनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं हेल्दी, वो ही लेनी है। ये तो बात हुई ब्रेकफास्ट की कि ब्रेकफास्ट जरूर और जरूर लेना होता है। अब बात आती है कि हमें अच्छी नींद भी लेनी होती है, स्पेशली रात को। हम क्या करते हैं, टेंशन को तो ना बिल्कुल लबादा और के रखते हैं कि मतलब कोई चीज नींद होगी ना तो उसको भी हाँ भाई टेंशन 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 टेंशन, मतलब इधर उधर की जान बूझ के सोच सोच के ना टेंशन को गले लगा लेती है। तो इस चीज को थोड़ा सा हटा दीजिए, जब सो रहे हैं ना तो सिर्फ आप ही हो और अच्छे अच्छे सपने हो। टेंशन को हटा दीजिए, मतलब जान बूझ के। अच्छा, जब आपको पता है कि सुबह 6 बजे उठना है तो सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दीजिए, बल्कि 2 बार लगा दीजिए, 6:01 पे, 6:03 पे, ताकि एक बार आंख ना खुले तो 2 बार खुले। पर उसका क्या फायदा है कि आप रात को 2 बजे भी उठ के देख रहे हैं कि 6 तो नहीं बज गए, 3 बजे भी उठ के देख रहे हैं कि 6 तो नहीं बज गए, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो आपने क्या करना है कि अलार्म या मोबाइल पे अलार्म, कुछ भी जैसे भी आपको सहूलियत हो, अलार्म लगा के सोइए और टेंशन को तो एक बार टाटा बाय बाय कर दीजिए। टी फॉर टेंशन, टी फॉर टाटा, टाटा बाय बाय कर दीजिए। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। देखिए, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया, हमारी नींद भी अच्छी हो गई। अब बात आती है पानी की। पानी हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और अगर हम हल्का गुनगुना करके पानी पियेंगे ना तो वो और भी अच्छा रहता है। हम पता क्या करते हैं, जैसे हमने सारा दिन काम किया मान लीजिए और हम बहुत थक गए, तो हम क्या करते हैं, खूब सारे ग्लास भर के बड़े ग्लास में चाय बना लेते हैं और उसमें खूब सारा मीठा भी डाल देते हैं कि भाई खूब मीठी चाय पियेंगे थोड़ा सा आराम मिलेगा, या कॉफी बना लेते हैं, मतलब इस तरह की सोच रखते हैं। पर इससे क्या होता है, शरीर को और नुकसान होता है। हमें क्या करना चाहिए, ग्रीन टी बेस्ट है, या ज्यादा हो तो हल्का गर्म पानी करके, हल्का गर्म पानी करके अगर पियेंगे ना वो शरीर के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। वैसे नारियल पानी का भी मैंने सुना था, पर नारियल पानी जैसे होता ना कि हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता, अगर हो पाता है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है। पर अगर इन केस नहीं हो पाता तो हल्का गर्म पानी, पानी पीना ही एक सेल्फ बहुत अच्छा है, पर अगर हल्का गर्म होगा तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके नहीं पीना चाहिए, बैठ के आराम से पीना चाहिए। मेरे को इस बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर ये सुना था मैंने, पढ़ा भी था और सुना भी था कि बैठ के पानी पीना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। तो अब हमारी बात हो गई खाने की, यानी ब्रेकफास्ट की, फिर हमारी बात हो गई नींद की, फिर हमारी बात हो गई पानी की। अब सबसे ज़्यादा, मतलब इन सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी सोच पॉजिटिव हो। जैसे मैंने बताया था कि टेंशन बहुत लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी, और हमारी सोच है ना हमें पॉजिटिव रखनी ही पड़ेगी। पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव पे चले जाते हैं, ऐसे सोच लीजिए मैंने नेगेटिव पे जाना ही नहीं, मैंने पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है और पॉजिटिव ही रहना है बस। आमतौर पर जो चीज़ नहीं होती हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं और नेगेटिव नेगेटिव जाते जाते हैं, जबकि हमें नेगेटिव तो रहना ही नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और हंसना है, खिलखिला के हंसना है। आप बताइए कि आप लास्ट टाइम कब खिलखिला के हंसे थे, खूब हंसे थे, नहीं याद आ रहा होगा। और टेंशन कब हुई थी, अभी हुई थी 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। तो टेंशन को तो एक तरफ कर दीजिए और पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें आएंगी माइंड में, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी तो चेहरे पे स्माइल भी आएगी, मुस्कुराहट आएगी, और मुस्कुराहट आएगी तो उससे हमारी तंदुरुस्ती बढ़ती है। हमारी सेहत का राज है, अच्छी सेहत का राज है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिसको कि लेडीज आजकल भूल चुकी हैं, हंसना मुस्कुराना। अब इस सब के लिए ना एक बात मैं बहुत ज़रूरी सोचती हूँ कि अपने आप को बिजी रखिए। अगर आपको टेंशन भी ना रहे, आप पॉजिटिव कैसे रहे, तो इसके लिए बिजी रहिए। बिजी कैसे रखिए, अपनी हॉबी सेलेक्ट कर लीजिए। आपको देखिए कितनी चीज़ों में शौक होगा, होगा पक्का होगा, जैसे मान लीजिए कुकिंग में है, मान लीजिए गार्डनिंग में है, मान लीजिए स्टिचिंग में है, हजारों तरह के शौक होते हैं लेडीज़ को। तो अपने आप की एक हॉबी बना लीजिए और 1 घंटा, मतलब जैसे इन सब पूरे दिन में ना हमें थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालना ही पड़ेगा। बहुत टाइम होता है, हम कितना टाइम तो टीवी देखने में वेस्ट कर देते हैं, मतलब आप देखिए सीरियल भी देखिए उसको देखने में मना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, बैठे हुए हैं बस, बैठे हुए हैं, चलो 2 बार चाय आ गई, 3 बार आ गई, चिप्स भी रखे हुए हैं, वेफर्स भी रखे हुए हैं, खाए जा रहे हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें हमें सुस्त बनाती हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि एक हॉबी होगी ना हमारी, एक तो हॉबी बनाएंगे ना हम, तो हमारी एक अलग पहचान भी बनती है कि अच्छा वो देखो वो जो है ना उनकी ये हॉबी है, तो चलो उनसे बात करते हैं, मतलब एक अलग पहचान बनती है।
और आजकल तो सोशल मीडिया कितना एक्टिव है, हम उस पर अपनी पहचान कितनी जल्दी बना सकते हैं, हॉबी दिखा के हम कितनी जल्दी अपनी एक पहचान बना सकते हैं, इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा। ज़रूरत क्या है कि अगर आप अपनी एक हॉबी बना लेंगे ना, अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपकी टेंशन भी कम होती जाएगी, आपकी सोच भी पॉजिटिव होती रहेगी, क्योंकि आपका ध्यान नहीं रहेगा टेंशन पे, ध्यान नहीं रहेगा आपका क्रिएटिव, मतलब आप क्रिएटिव हो जाएंगे कि आपने ये भी करना है उसके बारे में, वो भी करना है, उसको कलेक्ट करना है, उसको देखना है, उसको देखना है, तो इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा तो क्या होगा कि आपका ध्यान जो है ना सिर्फ अपनी हॉबी पर रहेगा कि जो आपने करना है, तो आपको फालतू में मतलब बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे, टेंशन भी नहीं होगी, बिजी रहेंगे। अब आता है सबसे मुश्किल काम एक्सरसाइज, कसरत करना। बाप रे, कितनी लेडीज तो भागती है डर के मारे, एक्सरसाइज के नाम से ही भागती है। देखिए, दो चीजें ना हमारी सेहत को बहुत प्रभावित करती है, लालच और आलस। लालच खाने का, टेम्पटेशन होती है कि चलो ये भी खा लो वो भी खा लो, और आलस एक्सरसाइज। अगर इन दोनों चीजों पे हमने काबू पा लिया ना, विजय पा लिया ना, फिर तो हमारी बल्ले बल्ले है, पर हम हार जाते हैं। लालच मतलब चलो आज तो खा ही लेते हैं, आज पराठी खा लेते हैं, आज तो बड़ा टेस्टी खाना बनाया, तो राजमा चावल बहुत अच्छे बने, चलो आज ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मतलब खाने पे तो टूट पड़ते हैं, कंट्रोल नहीं होता। जबकि अगर, और क्या होता है, सारा दिन इसकी वजह से परेशान भी रहते हैं, जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, सारा दिन हाय तौबा मचाते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, और किसी की तरह की प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम कहाँ है, ओवर ईटिंग से। पेट फूल गया, सांस नहीं आ रहा, कभी इनो ले रहे, कभी पुदीना ले रहे, पता नहीं क्या क्या लेते हैं, पर इन सब का क्या फायदा है? क्यों नहीं हम डाइट पे कंट्रोल करते, क्यों नहीं हम जो मैं दो चीजें बता रही थी, लालच और आलस पे कंट्रोल करते। सोच लीजिए, बस मैंने नहीं करना, लालच नहीं करना, मुझे सारा दिन फिट रहना है, हेल्दी रहना है, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जब बच्चों की बात आ जाएगी, हस्बैंड की, घर की बात आ जाएगी कि इसको खा के मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे को दिक्कत होगी, तो आप जरूर कंट्रोल कर लेंगे। तो लालच और आलस, आलस एक्सरसाइज का, कि करना है तो करना है बस, मेरे को अच्छा रहना है, मेरे को फिट रहना है, इसके लिए मुझे आलस को टाटा बार बार करना है। तो ये जरूरी चीज है एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। कई लेडीज को भागना अच्छा लगता है, कईयों को तेजी से चलना अच्छा लगता है, अलग अलग वो आपके ऊपर है, पर जरूरी है 10 से 15 मिनट। मैं जो बार बार ये कह रही हूँ बात, कि अपने लिए 10 से 15 मिनट जरूर निकाल लें, जरूर निकाल लें। इसके साथ साथ अपने शरीर का चेकअप बहुत जरूरी है, अपने शरीर का चेकअप साल में 2 बार, 6 महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, ऐसे ऐसे, चाहे बिल्कुल ठीक हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ठीक रहता है, अपने शरीर का चेकअप कराना एक बार ठीक रहता है, बिल्कुल ठीक रहता है। देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, अगर और होगी नहीं, ये तो मैं भी कह सकती हूँ कि होगी नहीं, होगी नहीं तो फिर चिंता किस लिए करनी है कि मेरे को ये तो नहीं हो गया। आमतौर पे लेडीज़ की क्या सोच होती है, मतलब जो चीज़ होती नहीं ना उसको अपने अंदर लगा के बैठ जाती है, कोई टेंशन वाली बात कि मेरे को ये बीमारी ना हो गई हो, मेरे को ये, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने 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 से रिलेट करने लगती है कि मुझे ना हो गई हो, उसको ये हुई है, मुझे ना हो गई हो, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत। इसलिए दिक्कत क्या है, एक बार चेकअप करा लीजिए, सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, अगर कुछ है तो वो ठीक हो जाएगा, और नहीं है तो फिर खुश हो जाएंगे। तो अब क्या सोचा आपने, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना अब आप? देखिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस सब के लिए आप एक प्लानिंग बना लीजिए, एक प्लान बना लीजिए, प्लानर जिसको बोलते हैं ना, कि मैंने सुबह अपना टाइम टेबल, जैसे हम बच्चों का टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे ही अपने लिए प्लान बना लीजिए कि मैंने सुबह से शाम तक ऐसे ऐसे करना है और ये करना है। देखिए, लेडीज होती है ना, सारा दिन इतना काम करती है, इसलिए उनका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वो एक्चुअली मुझे वो बात बहुत पेंच की कि बच्चे को पढ़ाने का मन नहीं करता, मतलब महसूस हुआ कि लेडीज अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, अपना ख्याल अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि खुद अगर हेल्दी रहेगी तो पूरी फैमिली खुश रहेगी। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर आपके पास भी कुछ अच्छी अच्छी टिप्स हो कि महिलाएं एक्टिव कैसे रह सकती हैं, तो जरूर बताइएगा, हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा।